दसवीं तिथि को जो तुलसी की डंडी को घी में भिगो कर अपनी कामना कर भगवान के सामने दिए में रखकर जला देता है, दिए की तरह उससे आरती उतार देता है, कहते हैं उसका जन्म दूसरी बार पृथ्वी पर नहीं होता, वो भगवान के गोलोक धाम में जिंदगी भर के लिए विराजमान हो जाता है। बहुत तकलीफ है और नहीं हो रहा काम, बहुत दिनों से लगे हो नहीं हो रहा, हरा मूंग ले जाओ, मूंग के दाने तो रहते हैं घर में, केवल 31 मूंग के दाने लेकर जाइए, 31 चावल के दाने लेकर जाइए और 31 ही बेलपत्र लेकर जाइए। शंकर जी के मंदिर में जाओ, तीन चीज लेकर जाओ, मूंग के दाने, चावल, बेलपत्र। चावल जो 31 लेकर गए हो, अपनी कामना कर शंकर जी की देहली पर रख दो, चौखट पर, कहीं पर भी एकांत में उसको रख दिया जाए। मूंग के जो दाने लेकर गए हो 31, वो नंदी के पास में, जो नंदी का पांव ऊंचा रहता है उस पांव के पास रख दीजिए। और जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, वो 31 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जो वहां पर, जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, अपनी कामना कर पीला चंदन लाल चंदन लगाकर उस पर समर्पित करते जाओ। उसकी डंडी जहां से पानी बहता है उस ओर होना चाहिए। आप निवेदन कर देखो, अपने आप आपका काम हो गया होगा। बाबा से निवेदन तो करो, क्यों भटक। केवल दसवीं, चाहे उजाला की हो चाहे अंधेरे की, कौन से महादेव का नाम लेना है? श्रम्भेश्वर महादेव। व्यक्ति चिड़चिड़ करता है, क्रोध करता है, गुस्सा करता है, तो महाराज शंकर भगवान का, श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर 31 बेलपत्र जिस व्यक्ति को क्रोध आता है उस व्यक्ति का स्मरण कर आखा चावल, मतलब सेके चावल के साथ एक एक बेलपत्र, 31 बेलपत्र कर शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करी जाती है, मात्र दसवीं की तिथि के लिए। केवल दसवीं, चाहे उजाला की हो चाहे अंधेरे की, कौन से महादेव का नाम लेना है? श्रम्भेश्वर महादेव। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, कुछ कुछ बच्चों को माता जबरदस्ती के भोजन कराती है, खिलाती है, ठोकती मारती खिलाती है, कुछ कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं वो कुछ खा ही नहीं पाते, मुख में दो और वॉमिटिंग कर देते हैं। ऐसे बच्चों के लिए या जिस व्यक्ति को भोजन शिवरात्रि 29 और तारीख को यही महीने उधर में एसिडिटी रहती हो और जलन टाइप की होती हो, उसके लिए भी श्रम्भेश्वर महादेव का स्मरण है। श्रम्भेश्वर महादेव के ठीक सामने, अर्थात भगवान शंकर के किसी भी शिवलिंग के सामने एक तांबे के लोटे में जल रख लीजिए, जल के अंदर 3 बेलपत्र डाल दीजिए, 1 पीपल का पत्ता डाल दीजिए, शमी के 11 पत्ते कलश को छुआ कर शंकर भगवान के शिवलिंग पर श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा दीजिए। उस जल को उठाकर ले आइए, एक रात्रि तक घर के अंदर रखना है। उस जल को श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर जिस व्यक्ति को एसिडिटी होती हो या उधर खराब रहता हो या भोजन नहीं पचता हो या पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो या बच्चों को भोजन कराते हैं और वो वोमिटिंग कर देते हो, ऐसे बच्चे को या भोजन नहीं भा रहा हो ऐसे व्यक्ति को, उस जल को सवेरे दोपहर शाम 3 बार श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर आचमन कराना प्रारंभ कर दो, पिलाना चालू कर दीजिए। 3 या 4 दिन पिलाओगे, अपने आप उधर में भी आनंद रहेगा, बच्चा भोजन करना भी प्रारंभ। दसवीं तिथि को 14 करोड़ सोने की मुद्रा का फल एक शमी के पत्ते में होता है। दसवीं तिथि को शमी के पत्ते को, चाहे 21 हो, 11 हो, 51 हो, उसको शहद में डुबोकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर उसको श्रृंगार करो। केवल चढ़ाना नहीं है, जब शहद में डूब जाएगा तो वो चिपक जाएगा, शिव का श्रृंगार करो। क्या होगा इससे? तो लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, शंकर का जब हम शमी के पत्ते को शहद में डुबोकर श्रृंगार करते हैं, शंकर कहते हैं इसने मेरा श्रावण महीने में श्रृंगार करा है, तो क्यों ना मैं भी इसका धन का श्रृंगार कर इसको कर से मुक्त कर दूं, तब कर दीजिए, तब कर दीजिए, इससे मुक्ति होती। ये केवल श्रावण के महीने में किया जाता है, इसके सिवा कहीं कोई महीने में नहीं कर सकते हम। और नहीं तो बाद में कहोगे कि हमको हर महीने उस महीने में कर, केवल श्रावण की दसवीं, चाहे उजाले की कर लो चाहे अंधेरे की कर लो, एक ही बार करना है। केवल दसवीं, चाहे उजाला की हो चाहे अंधेरे की, कौन से महादेव का नाम लेना है? श्रम्भेश्वर महादेव।
व्यक्ति चिड़चिड़ करता है, क्रोध करता है, गुस्सा करता है, महाराज शंकर भगवान का संबेश्वर महादेव का नाम लेकर 31 बेलपत्र जिस व्यक्ति को क्रोध आता है उस व्यक्ति का स्मरण कर आखा चावल मतलब सेवे चावल के साथ एक एक बेलपत्र 31 बेलपत्र कर शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करी जाती है मात्र दसवीं की तिथि के लिए, केवल दसवीं, चाहे उजाला की हो चाहे अंधेरे की। कौन से महादेव का नाम लेना है? त्रंबकेश्वर महादेव। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, कुछ कुछ बच्चों को माता जबरदस्ती के भोजन कराती है, खिलाती है, ठोकती मारती खिलाती है, कुछ कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं वो कुछ खा ही नहीं पाते, मुख में दो और वॉमिटिंग कर देते हैं, उल्टी कर देते हैं। ऐसे बच्चों के लिए या जिस व्यक्ति को भोजन पचता नहीं है और उधर में एसिडिटी रहती हो और जलन टाइप की होती हो उसके लिए श्रमेश्वर महादेव का स्मरण है। सुंदर व्याख्यान वर्णन किया है। त्रंबकेश्वर महादेव के ठीक सामने अर्थात भगवान शंकर के किसी भी शिवलिंग के सामने एक तांबे के लोटे में जल रख लीजिए, तो जल के अंदर 3 बेलपत्र डाल दीजिए, एक पीपल का पत्ता डाल दीजिए, शमी के 11 पत्ते कलश को छुआकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर त्रंबकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा दीजिए। उस जल को उठाकर ले आइए, एक रात्रि तक घर के अंदर रखना है। उस जल को त्रंबकेश्वर महादेव का नाम लेकर जिस व्यक्ति को एसिडिटी होती हो या उदर खराब रहता हो या भोजन नहीं पचता हो या पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो या बच्चों को भोजन कराते हैं और वो वॉमिटिंग कर देते हो, ऐसे बच्चे को या भोजन नहीं भा रहा हो ऐसे व्यक्ति को उस जल को सुबह दोपहर शाम 3 बार त्रंबकेश्वर महादेव का नाम लेकर आचमन कराना प्रारंभ कर दो, पिलाना चालू कर दीजिए। 3 या 4 दिन पिलाओगे अपने आप उधर में भी आनंद रहेगा, बच्चा भोजन करना भी प्रारंभ कर देगा। त्रंबकेश्वर दसवीं की रात्रि के 12 बजे घी का दिया हथेली में रखकर दरवाजे के बाहर, उस दिए को हथेली में रखकर चंद्र का दर्शन रात्रि के 12 बजे दिए की लो में चंद्र का दर्शन करते हैं, उससे ज्योत प्रबल होती है हमारे। या तो होगा वो नौमी की रात्रि 12 बजे या दसवीं की रात्रि की 12 बजे चंद्र का दर्शन, दीप घी का हाथ में जलाकर नाम गोत्र अपना बोलकर नरसिंह भगवान का स्मरण कर ज्योति में चंद्र का स्मरण कर दर्शन किया जाता है। नेत्र कमजोर हो तो 3 या 4 दिन में ज्योतियों का क्रम बढ़ना प्रारंभ होता है। वैसे तो 15 दिन का लिखा है पर शिव महापुराण कहती है 3-4 दिन का क्रम बहुत होता बढ़ता जाता। केवल दसवीं, चाहे उजाला की हो चाहे अंधेरे की। कौन से महादेव का नाम लेना है? त्रंबकेश्वर महादेव। जब कोई